नरेंद्र गिरी के सुसाइड लेटर के आधार पर बलबीर गिरी नहीं बनेंगे उनके उत्तराधिकारी। 25 सितंबर के बाद धीरे धीरे अखाड़े के पंच चुनेंगे बागमपुरी मठ का नया मठाधीश। नरेंद्र गिरी के सुसाइड लेटर को कैलाशानंद ने बताया साजिश का लेटर। संपत्ति के विवाद में कही गई नरेंद्र गिरी की हत्या। नरेंद्र गिरी नहीं जानते थे लिखना, केवल हस्ताक्षर करना जानते थे नरेंद्र गिरी। अखाड़े के श्री महंत रविंद्र पुरी ने भी कैलाशानंद का समर्थन किया है। 25 सितंबर के बाद नरेंद्र गिरी अखाड़े के 16 पंच चुनेंगे नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कोई जल्दी नहीं। 2025 के प्रयागराज कुंभ से पहले चुना जाएगा अगला अध्यक्ष। कुछ महीनों बाद चुना जा सकता है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अगला अध्यक्ष। नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे बलबीर गिरी। 25 सितंबर के बाद तय होगा नया उत्तराधिकारी। बड़ी खबर प्रयागराज से। बड़ी खबर प्रयागराज से एक और आपको बता दें, आनंद गिरी और आदित्य तिवारी की जिस तरीके से पेशी हुई, लेकिन इस दौरान धक्का मुक्की की गई आनंद गिरी के साथ, वकीलों ने आनंद गिरी के साथ धक्का मुक्की की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महंत आनंद गिरी और आद्या तिवारी की पेशी की गई है। पेशी के दौरान आनंद गिरी के साथ धक्का मुक्की की गई है। आनंद गिरी और आद्या तिवारी की पेशी के दौरान वकीलों ने धक्का मुक्की की है। जिस तरीके से पेशी हुई उनकी और इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। लेकिन इस बीच जिस तरीके से तस्वीरें भी आई, उस दौरान भी देखा गया कि वकीलों ने आनंद गिरी के साथ धक्का मुक्की की है, क्योंकि आद्या तिवारी की भी पेशी साथ में हुई थी और इस दौरान वकीलों ने आनंद गिरी के साथ धक्का मुक्की की। बड़ी खबर प्रयागराज से बता रहे हैं आपको, और ये वो तस्वीर है जहां पर वकीलों ने आनंद गिरी और आद्या तिवारी के साथ धक्का मुक्की की। और सबसे पहले न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पेशी के दौरान आनंद गिरी और आद्या तिवारी के साथ धक्का मुक्की करी गई और वकील ये धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। काफी भारी संख्या में वकील नजर आ रहे हैं। तो सीजीएम स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई आद्या तिवारी और आनंद गिरी की, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से पेशी हुई और इस दौरान वकीलों ने धक्का मुक्की आनंद गिरी के साथ की है। तो सियासी खबरों का रुख करते हैं। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी एक्शन में है, जीत को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। इसी सिलसिले में यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ में है और बीजेपी के सह प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। धर्मेंद्र प्रधान के अलावा अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे समेत दूसरे प्रभारी शामिल है। आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी। और सबसे अहम, जिस तरीके से यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने और एक टीम केंद्रीय नेतृत्व ने तय की है और इस टीम की कमान धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में है, बाकी सह प्रभारी बनाए गए हैं, जातिगत चेहरा निर्धारित किया गया है और सभी को साधने की कोशिश इस बैठक के दौरान। क्या कुछ होगा ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लोगों के मन में मोदी योगी के लिए जो प्यार है, स्नेह है, और जो काम राज्य में योगी की सरकार ने और देश में मोदी सरकार ने किया, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव जनता के बीच में भी है। उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में जो एक रिकॉर्ड सीटें भाजपा को जिताई थी, 2022 में एक बार फिर आशीर्वाद मोदी योगी जी को देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड सीटें जिताने वाली है, क्योंकि गुंडाराज मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन यहाँ पर जो दिया है और अपनी नीतियों को, कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का जो काम किया है, उत्तर प्रदेश का जो विकास किया है, उस पर मोहर 2022 में कमल के फूल पर यहाँ की जनता लगाएगी और भाजपा को पहले से ज़्यादा सीटें जिताएगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी विशिष्ट चुनावी रणनीति के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने बूथों पर समितियों का गठन करके उनका सत्यापन कर लिया है। पन्ना प्रमुख बनाने की कार्रवाई समय चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रभारी घोषित किए हैं। आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी और उनके साथ एक सह प्रभारियों की पूरी टीम, जिसमें श्री अनुराग ठाकुर जी समेत सारे लोग हैं, और वो लोग आज उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर पार्टी के संगठनात्मक बैठकें करके पार्टी की रणनीति तय करने का काम करेंगे।